एपिसोड शुरू होता है और एक बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, हे ग्रैंड माँ, आप क्या करती अगर आप फिर से जवान हो जाती? ये बोलती है, ये क्यों पूछ रहे हो? ये बूढ़ा आदमी बोलता है, जब हम जवान थे तब बहुत ही गरीब थे, मैं तुम्हें हनीमून पे भी नहीं ले जा पाया। ये कहते, कोई नहीं, ऐसे पीसफुल बातें करना ही काफ़ी है। वैसे हमने जो एप्पल ट्री लगाया था अपनी शादी का टाइम, वो यहीं पर है ना? ये कहता है, तब से 60 साल हो चुके हैं। और फिर पेड़ के पास पहुँच के कहते हैं, ये है वो ट्री जो तूफान में गिर गया था। और तभी इन्हें इस ट्री पर एक गोल्डन एप्पल दिखता है। नेक्स्ट दिन पे ग्रैंडपा सुबह उठते हैं और जब शीशे में अपना मुंह देखते हैं तो ये जवान हो चुके होते हैं। ये हैरान हो जाते हैं और भागते हुए ग्रैंडमा के पास जाते हैं तो ये देखता है कि ये भी जवान हो चुकी है। और तभी ग्रैंडमा को पकड़ कर कहते हैं, चलो हनीमून पे चले। नेक्स्ट दिन पे एक लड़की आके कहती है, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा। ये कहते हैं, मीन हो तुम यहाँ पर? मैं ग्रैंडपा हूँ, शोजो। ये कहती है, मैं ग्रैंडमा हूँ, इने। ये सुनकर ये हैरान हो जाती है। इसके बाद ये कह रही होती है, ग्रैंडपा, आपको अपने बाल नहीं काटने चाहिए, ये आप पर अच्छे लग रहे हैं। ये कहता है, ग्रैंड डॉटर कह रही है तो ठीक है फिर। वैसे ग्रैंडमा, मेरी ग्रैंड डॉटर ने कभी इतना प्यार नहीं दिखाया मुझे। मीनो कहती है, ग्रैंडमा, क्या मुझे ग्रैंडपा मिल सकते हैं? इने कहती है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ये अपने डैड को भी बताती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों यंग हो गए हैं फिर से। और फिर इसके बाद अपने ग्रैंडपा से कहती है, क्या आप ये पोज कर सकते हो? नेक्स्ट सीन में कुछ बूढ़े लोग बात कर रहे होते हैं कि शोजो और इन्हें आ नहीं रहे हैं काफ़ी टाइम से। ये आदमी कहता है, इन्हें की हेल्थ ठीक भी नहीं थी उतनी। दूसरा कह रहा होता है, हमारी उम्र में ऐसा होना आम है। तभी यहाँ पर शोजो को दिखाया जाता है जिस पे सारी बुढ़िया मर रही होती हैं। ये बूढ़ा कहता है, शोजो और इन्हें जवान हो गए फिर से। तभी इन्हें कहती है, कोकिची मासुनोसुके, क्या आप चाय लेंगे? और ये इन्हें देख के इतना घबरा जाता है कि अपने ऊपर ही चाय गिरा देता है। और ये कहती है, मैं साफ़ कर देती हूँ, यहीं पर रुकना, मैं टाल लेकर आती हूँ। ये कहता है, मेरी तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। दूसरा बुड्ढा कहता है, मेरी भी। नेक्स्ट दिन में ये आदमी कह रहा होता है, हमारे साथ आ जाओ डैड, आपकी और मॉम की उम्र ज़्यादा हो चुकी है। शोजो कहता है, नहीं, ये लैंड हमारे एंसेस्टर्स ने प्रोटेक्ट करी थी 100 सालों तक, मैं छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ ये बूढ़ी औरत कहती है, माफ़ करना काइडे। ये बोलते, कोई नहीं मदर, वैसे आप क्या चाहती हो? ये कहती है, मेरे लिए सब ठीक है अगर ग्रैंडपा के साथ रहूँगी तो। अब अगले दिन ये कहती है, मदर, मैं वो इंग्रेडिएंट्स ले आई जो आपने मंगाए थे। ये घर आके शोजो को देखती है। ये कहता है, ग्रैंडमा मीटिंग मंगाई है कम्युनिटी सेंटर में। ये कहती है, मैं ज़रा बाथरूम जाती हूँ। और बाथरूम में आके कहती है, मुझे नहीं पता था कि डैड इतने हैंडसम थे जवानी में, अब मैं क्या करूँ, मुझे पहले योशाइकी को बताना होगा। नेक्स्ट दिन में यहाँ पर योशाइकी आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है। और मीनो शोजो पे चिपक रही होती है। काइडे कहती है, मीनो ऐसा मत करो, ये तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। मीनो कहती है, इतना तो ठीक ही है। ये कहती है, नहीं। इने कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। सीन शिफ्ट होता है और शोजो के गाल पे एक चांटे का निशान होता है। और योशाइकी कहता है, हम फिलहाल घर जा रहे हैं, मैं टाका हीरो और बाकी सबको बता दूंगा। इने कहती है, तुम काम में बिजी हो गए। और ये इसके सर पे हाथ रख के कहती है, अडल्ट बनने के बाद तुम्हें कोई शाबाशी ही नहीं देता होगा ना। और योशाइकी को अपने बचपन का टाइम याद आ जाता है। मीनो कहती है, मेरे सर पर भी हाथ रखो। और फिर ये ऐसा ही करती है। नेक्स्ट दिन में बुड्ढा कह रहा होता है, इस साल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में क्या करें, कोई भी नहीं आता अब। दूसरा कहता है, जब से उन्होंने मीनामिमाची और किटामाची को मर्ज कराए, कोई बच्चा यहाँ नहीं रहता और बाकी सब बूढ़े होते जा रहे हैं। दूसरा कहता है, और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हार्ट अटैक आने के चांस भी है। दूसरा बोलता है, हाँ, और किटामाची हर साल जीतता है। तब एक बूढ़ा यहाँ पर आता है और शोजो को यहाँ पर लाया होता है। इसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर इसके आगे सर झुकाने लगते हैं। शोजो कहता है, ये सब आप क्या कर रहे हो? अब एक बूढ़ा कहता है, शोजो, क्या तुम फेस्टिवल ज्वाइन करोगे इस साल का? एक्चुअली तुम करो ही। शोजो कहता है, रुको ज़रा, अब इंटर टाउन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन होता है। और ये बूढ़ा कह रहा होता है, मैंने सुना था कि मीनामिमाची शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए क्योंकि सब 50 के ऊपर हो गए हैं, और जो मुझे दिख रहा है उससे ये पता चल रहा है कि किटामाची की जीत पक्की है। ये आदमी होता है नेबरहुड काउंसिल का हेड इगराशी हिस्के, और अपने साथ अपने ग्रैंड सन्स को लाया होता है, इगराशी सोटा, जो कि किटामाची हाई स्कूल के सॉकर टीम का बेस्ट प्लेयर है, और इगराशी डाइकी, किटामाची हाई स्कूल के थर्ड ईयर बेसबॉल टीम का कैप्टन।
अब ये सभी इन बुड्ढों पे हंसने लगते हैं। तभी मीनामाची एसोसिएशन का हेड सानो कहता है, हमारे पास इस साल एक सीक्रेट वेपन है। हिस्के कहता है, कौन? सानो बोलता है, साइटोस। ये बोलता है, तुम्हारा मतलब शोजो और इन्हें? और हंसने लगता है। और तभी यहाँ पर शोजो और इन्हें आ जाते हैं। इन्हें जवान देखकर ये हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम उनके ग्रैंडसन हो? ये कहता है, नहीं, हम साइटोस ही हैं। अब इनका फर्स्ट कॉम्पिटिशन टग ऑफ वॉर स्टार्ट होता है और मीना मीमाची हार रही होती हैं। लेकिन तभी एक बुढ़ी औरत इन्हें से कहती है कि प्लीज़ तुम्हारी वजह से वो जीत जाएंगे। तभी इन्हें इनके लिए चीयर करती है और सभी बुढ़ों में जो है जान आ जाती है और ये जीत जाते हैं। इसके बाद थ्री लेग रेस होती है और इगाराशि ब्रदर सबसे आगे होते हैं और जीतने ही वाले होते हैं कि तभी ये बूढ़े जो हैं सोजो को बैटन देते हैं और ये स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं और मन में कहते हैं, हम 70 साल से एक साथ हैं, हमें एक दूसरे के मूवमेंट्स पता है अच्छे से। और ये रेस जीत जाते हैं और इगाराशि ब्रदर्स नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में भी ये जीत जाते हैं और उसके बाद वाले कॉम्पिटिशन में भी। और यहाँ पर ये दोनों ब्रदर्स जो हैं काफ़ी निराश होते हैं। इसके गुस्से में होता है और कहता है, वो सोजो, उसने इन्हें को 70 साल पहले मुझसे छीन लिया और आज मेरे ग्रैंडसन्स की स्माइल भी मुझसे छीन ली। और फिर अपने ग्रैंडसन से कहता है, निराश मत हो, अगला साल भी हम पे। तभी यहाँ पर इन्हें आ जाती है। हिस्के कहता है, क्या तुम्हें शोजो के साथ नहीं होना चाहिए? ये बोलते, नहीं, मैं वहाँ हैंडल नहीं कर सकती। और इधर शोजो के पीछे सारी बुढ़िया जो है पागल हो रखी होती है। यहाँ पर अब इन्हें जो है खाना देती है इन्हें और बोलती है, मिसाको को गुजरे 3 साल हो गए हैं, तुम्हारे ग्रैंडसन्स तुम्हारी तरह ही लगते हैं जब तुम जवान थे। मुझे इन्हें देखकर वो टाइम याद आ गया जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। इसके कहता है, तुम्हें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी इन्हें। इसके ग्रैंडसन्स कहते हैं, तो इसीलिए ही ये उनसे लड़ाई करते रहते हैं। इन्हें कहती है, अगले साल और स्ट्रांग बनना। ये देखकर ये कहते हैं, ये सच में बहुत स्ट्रांग है, हम समझ सकते हैं कि ग्रैंडपा क्यों नहीं हासिल कर पाए इन्हें। और हिस्के कहता है, क्या कहा? और 5 का एक सीन दिखाया जाता है हिस्के का। अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हिस्के ने सोटा को शोजो के घर पे भेजा होता है कुछ सामान लेके। मीनो आती और ये इसे देखकर हड़बड़ा जाता है और सामान देता है फिर इसे। ये इसे अंदर बुलाती है और अंदर आके ये कहता है, साइटो, हम एक ही क्लास में हैं लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कपल्स तुम्हारे। और फिर मन में कहता है, ये बॉयज़ और गर्ल्स में काफ़ी पॉपुलर है, मैंने सोचा नहीं था कि इसके घर अकेले कभी आ पाऊँगा। और फिर फ़ोन चलाने का नाटक करने लगता है। मीनो कहती है, इगाराशि, तुम कौन सा गेम खेल रही हो? ये कहता है, ये काफ़ी पॉपुलर गेम है बॉयज़ में। अंदर से इन्हें कायडे देखकर कहती है, मॉम, अब क्या करें, उसका बॉयफ्रेंड है। इन्हें कहती है, शांत हो जाओ, वो डेट नहीं कर रहे एक दूसरे को। नेक्स्ट दिन में सोजो यहाँ पर बैठा होता है और इन्हें बात करता देख सोटा मन में कहता है, इसके ग्रैंडपा काफ़ी काइंड है, लेकिन ये दोनों, ऐसा लग रहा है मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आया हूँ। अब सोजो कहता है, तुम दोनों सेम क्लास में हो ना? मीनो कहती है, ये काफ़ी स्मार्ट है और एथलेटिक भी। ये सुन के दोनों फिर से बात करने लगते हैं आपस में। तभी सोजो कहता है, सोटा, क्या तुम किसी लड़की को? तभी मीनो इसका मुंह बंद कर देती है। इसके बाद ये यहाँ से चले जाता है और मीनो कहती है, मैं उससे और बात करना चाहती थी अकेले में। तभी सोजो हैरान हो जाता है। ये कहते, क्या हुआ? सोजो बोलते, कुछ नहीं। दूसरी तरफ सोटा अपने ग्रैंडपा से कहता है, मुझे फिर से वहाँ पर भेजो। नेक्स्ट दिन में मीनो कहती है, ग्रैंडमा, तो आपने पहले कन्फेस करी अपनी फीलिंग्स? इन्हें कहती है, हाँ, हमने लव मैरिज करी जो उस टाइम में काफ़ी रेयर थी। मीनो कहती है, तो ग्रैंडपा फिर आपने क्या कहा? ये कहता है, मैं पहले से ही इन्हें पसंद करता था तो मैंने बस कहा कि मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडपा चाहते थे कि अरेंज मैरिज करूँ मैं। मीनो कहती है, फिर आपने क्या करा? ये कहता है, मेरे डैड के साथ लड़ाई हुई, पहले मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊँ घर से, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा के सपोर्ट ने मुझे हिम्मत दी। तुम्हारी ग्रैंडमा काफ़ी कूल थी। मीनो कहती है, ये कैसी थी? सोसो कहता है, ये उस लड़की के पास गई जिससे मेरे डैड ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था और बोला कि मैं तुम्हें कभी मेरे प्यार को नहीं लेने दूंगी। मीनो कहती है, ये तो बहुत ही कूल है। इन्हें बोलती है, उस लड़की को भी कोई पसंद था पहले से ही, तो वो पीछे हट गई आसानी से। मीनो बोलती है, ग्रैंडमा, क्या आप वो सेम सीन कर सकते हो यहाँ पर मुझे अपना राइवल समझ के? और फोर्स करने लगती है इसे। सोजो भी इसे देखने लगता है और अब ये जो है इसके सामने वही सेम डायलॉग मारती है और मीनो काफ़ी खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, इस एनिमे का नाम है ग्रैंडमा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। ये एक रोमांस कॉमेडी एनिमे है और इसमें टोटल 11 एपिसोड्स होने वाले हैं जो कि वीकली आएंगे। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो पर लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। ज़्यादा लोग अगर कंटिन्यू करने को बोलेंगे या ज़्यादा अगर नहीं करने के लिए बोलेंगे तो फिर मैं वही करूँगा। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।